क्या करो? कुछ मत करो, चलो नीचे नीचे। ये ऑन कैसे होगा? चलो 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 चलो, ये ऑन है, जोर का आवाज। ये ऑन हो गया क्या भाई? ये ऑन हो गया?
मनाली अगर आप घूमने जाते हैं तो रिवर राफ्टिंग और वहाँ की खूबसूरत वादियों के अलावा सबसे जरूरी चीज है पैराग्लाइडिंग। जी हाँ, पैराग्लाइडिंग एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको हर किसी को जिंदगी में कभी ना कभी करना चाहिए। पैराग्लाइडिंग, अगर हम मनाली और कुल्लू की बात करें तो मनाली में अगर आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सोलांग वैली जाना होगा, लेकिन अगर आप कुल्लू में जा रहे हैं तो आप और भी ज्यादा एडवेंचरस रहेंगे, क्योंकि कुल्लू में पैराग्लाइडिंग की हाइट बहुत ज्यादा है, यानी कि ऊंचाई बहुत ज्यादा है। अब आपको बताते हैं कि पैराग्लाइडिंग कुल्लू की क्यों बेस्ट है। हमने खुद पैराग्लाइडिंग की कुल्लू जाकर। कुल्लू में 9000 फीट यानी कि 9000 फीट की ऊंचाई पर आप पहुंच जाते हैं और वहां पर पैराग्लाइडिंग करने का एक अलग ही अनुभव है। अगर आप सीजन में यानी कि गर्मी के सीजन में जाते हैं तो कुल्लू बेस्ट है, लेकिन अगर आप बर्फ देखना चाहते हैं तो सोलांग वैली की, लेकिन सोलांग वैली में आपको हाइट थोड़ी सी कम मिलेगी। इस पैराग्लाइडिंग के वीडियो को हमने कुल्लू में शूट किया था। कुल्लू की ये पैराग्लाइडिंग आप देखिए, एंजॉय कीजिए। आपको ये भी बता देते हैं कि पैराग्लाइडिंग का अलग अलग रेट हर जगह होता है। सीजन में जब जाते हैं तो ये पैराग्लाइडिंग का रेट 3000 से 4000 भी हो जाता है, लेकिन जब आप ऑफ सीजन में होते हैं तो ये रेट घटकर 1500 से 2000 हो जाता है। तो जब भी आप जाएं तो रेट का ध्यान रखें, क्योंकि जब आप जाते हैं और नए होते हैं तो रेट ऊपर नीचे होता रहता है। हमने पैराग्लाइडिंग सिर्फ 2500 में की थी और सीजन के दौरान की थी। इस पैराग्लाइडिंग की हाइट लगभग 9000 फीट थी और इसको करने में एक अलग ही आनंद आया।